हेलो भाई लोग, मैंने सुना कि एलपी का वैकेंसी आ गया है। तो ये क्या रियल है, फेक है, क्या है, कैसे है, ये समझते हैं। और मुझे अभी तो इस पे 100% डाउट लग रहा है। क्यों? क्योंकि पहला चीज़ कि यार, लास्ट में जो नोटिफिकेशन हर जगह जारी हो रहा है, मेरे पास भी आया। मैं जैसे ही अभी ड्यूटी से आ रहा हूँ, मेरा गाड़ी अभी देखो ये खड़ा है, और मैं जैसे ही पहुंचा तो कॉल्स वॉल्स आना चालू हो गया एज यूजुअल कि भाई वैकेंसी वैकेंसी, मैसेज बहुत सारा पड़ा हुआ था। मैंने नोटिफिकेशन चेक किया तो पहला चीज मेरे माइंड में आया कि ये सच में रियल है क्या, क्योंकि नोटिफिकेशन के लास्ट में चेयरमैन पर्सन पे किसी का साइन नहीं है। दूसरा चीज कि यार, मेन बात मेरे हिसाब से कहने का क्या है कि इतना कम वैकेंसी मुझे नहीं लगता कि इतना कम आना चाहिए। और सबसे मेन चीज कि एएलपी और टेक्नीशियन के वैकेंसी आज तक बस एक बार 2012 में हुआ है, उसमें भी टेक्नीशियन का अलग से आया हुआ था, ऐसा नहीं कि एएलपी का। तो मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ, थोड़ा बहुत अच्छे से नोटिफिकेशन चेक किया तो तीन चीज। पहला, इतना कम वैकेंसी मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए भाई, खासकर एएलपी का। और ऐसे ही कुछ न्यूज आया था आरपीएफ का, वो अभी तक अच्छे से पब्लिक नहीं हुआ, और ऐसा ही डाउट मुझे अभी भी हो रहा है। तो मेनली साइन नहीं है, दूसरा कि इतना कम वैकेंसी, और तीसरा कि एएलपी टेक्नीशियन साथ में आता है अक्सर, ये अलग अलग क्यों आया, सिर्फ एएलपी का क्यों आया। तो थोड़ा सा ऐसे डाउटेड चीज है, इसके रिगार्डिंग मैं अभी बना रहा हूँ। मैंने कुछ रिसर्च वर्स नहीं किया, मैंने देखा कि हाँ, तुम पूछोगे कि इतना जल्दी वीडियो बना क्यों रहे हो भाई, मत बनाओ, व्यूज नाम का भी कोई चीज होता है। तो मैं 12 बजे रात में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और सिर्फ इतना ही कि मुझे इस तरह से डाउट हो रहा है वैकेंसी पे, और ये क्लियर होगा थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद। तो अभी मैं रूम पे जाऊंगा, रिसर्च वगैरह करूंगा अच्छे से कि क्या है, कैसे है, और अगर रियल है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कितना सीट इंक्रीज होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जो हम लोगों का वैकेंसी आया था तो उसमें क्या हुआ था, यार बैठ ही जाता हूँ मैं यहीं पे। हाँ, तो उसमें पिछली बार क्या हुआ था मेरे टाइम पे कि पहले 13,000 का सीट, 23 से 26,000 का सीट आया हुआ था कुछ, दोनों का रीजन दोनों का, लेकिन उसके बाद बढ़ा 30,000 सिर्फ एएलपी का हुआ, और कुछ ऐसे टेक्नीशियन का हुआ आया उल्टा, वाइस वर्सा जो भी समझो। तो इस बार सिर्फ एएलपी का छपाया हुआ है, तो मेरे हिसाब से या तो इसमें टेक्नीशियन ऐड करेगा, या टेक्नीशियन अलग से आएगा, या बढ़ेगा यार, क्योंकि हम लोग अंदर है ना, तो मुझे पता है कि क्या कंडीशन है हम लोगों का। तो हाँ, मुझे कंफर्म डाउट है कि ये वैकेंसी रियल है। तो इसके लिए एक प्रॉपर मैं रिसर्च करने के बाद कल सुबह मिलेंगे 9 बजे के आसपास डिटेल्ड वीडियो के साथ कि रियल है या फेक है, और रियल है तो क्या बुक्स फॉलो करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कम वैकेंसी है तो ज़्यादा तगड़ा तैयारी करना पड़ेगा, और एक चीज़ कि हाँ, अब स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें लेके मैं मिलता हूँ कल 9 से 10 के बीच में। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, सब बखैर, अपना ख्याल रखो। हाँ, अब देखो कुछ फेक न्यूज़ आ रहा है तो अब सच में आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक।